बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर आज 8वें दिन भी प्रखंड में पठन पाठन ठप रहा। प्रखंड के सभी विद्यालयों में ताला लगा दिखा। वहीं समान काम समान वेतन सेवा शर्त एवं राज्य कर्मी का दर्जे की मांग को लेकर प्रखंड के नियोजित शिक्षक बीआरसी भवन पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता अशोक यादव द्वारा की गई। बैठक को संगठन के जिला अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के नियोजित शिक्षक बाबा साहेब अम्बेडकर तथा बापू के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जहां नियोजित शिक्षकों के आने से पहले बिहार में शिक्षा दर 25% है, वहीं आज शिक्षा का दर 67% हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आप हमें नियमित शिक्षकों का दर्जा दो, हम छात्रों को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक पढ़ाएंगे, रविवार को विद्यालय बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बर्खास्त शिक्षकों की बहाली तथा वेतनमान मिलने तक उन लोगों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। बैठक में संजय कुमार सिंह, वकील वर्मा, आभा कुमारी, चंद्र प्रभा, शीला कुमारी, संतोष कुमार सिंह, अरुण कुमार उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। छपरा बिहार से रजनीश रंजन के साथ धनंजय कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। बिहार के राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथी नहीं चाहते थे कि कहीं से आंदोलन करके सड़क पर आए। हठधर्मी मुख्यमंत्री के हठधर्मिता के चलते रोड पर आना पड़ा हम लोगों को, यह दुर्भाग्य की बात है। बच्चे हमारे हैं, उनकी पढ़ाई की चिंता शिक्षा मंत्री मन न रखे। 8 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक पढ़ाएंगे, लेकिन विद्यालय तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि वेतनमान का घोषणा नहीं कर देते। इनको देखिए, अभी से कपार दर्द करने लगा, अभी तो 8वें दिन है। सम्मानित शिक्षक साथियों, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की हड़ताल बेकार नहीं जाएगी। समान काम के बदले समान वेतन देना होगा, हम लोगों के आगे झुकना होगा। उनकी हठधर्मी सरकार को इस बार हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे, अगर हम लोगों को वेतनमान नहीं मिलता है तो। सरकार से ये आग्रह होगी कि जैसे अभी अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सरकारी विद्यालय हैप्पीनेस क्लासेस में मिलाने के लिए ले जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो अच्छा किए होंगे, तब तो अमेरिका के राष्ट्रपति सरकारी विद्यालय हैप्पीनेस क्लासेस में जा रहे हैं। तो हमारा भी ये आग्रह होगा कि हमारे भी राज्य के मुख्यमंत्री जो है हमारे विद्यालय को भी वैसे ही सरकारी स्कूल की तरह हमारे सरकारी विद्यालय को भी बनाए, ताकि हम भी वैसे हमारे बिहार में भी राष्ट्रपति आए तो प्राइवेट ना बल्कि सरकारी विद्यालय में घूमने के लिए। हम यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 8 दिन से आज भिड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि बंधुआ मजदूर बन के हम लोग काम ना करें। हमारा वेतनमान पूर्ण रूप से सरकार जब तक नहीं देती है तब तक हम इस हड़ताल को बनाए रखेंगे। कालीन में हड़ताल के लिए डटे हुए हैं, सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम लोग एकजुटता दिखाना चाहते हैं, और हमारी एकजुटता सरकार तक पहुंचेगी। जब सरकार तक हमारी एकजुटता पहुंचेगी तो सरकार हमारी मांगों को हो सकता है कि पूरी कर दे।